नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजा पर स्वागत करता हूं आपका केटीएस न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भुसावर कस्बे में स्थित कचहरी व महल की ऐतिहासिक इमारतों में 72 वर्ष तक राजकीय विद्यालय संचालित होते रहे हैं। स्कूल संचालन के समय देखभाल होती रही, लेकिन सामान्यकरण ने दोनों विद्यालयों को यहाँ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। देखरेख के अभाव के कारण ये जर्जर होने लगे हैं। इन भवनों के आसपास लोगों द्वारा अतिक्रमण कर इनका रास्ता तक अवरुद्ध कर दिया है। यदि इसकी धरोहर को नहीं संभाला गया तो ये धराशायी होकर गिर पड़ेंगे। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के एक गांव में 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। बालिका को परिजनों ने एक निजी चिकित्सक के क्लिनिक पर भर्ती कराया, लेकिन इस बारे में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं दी। घटना की जानकारी होने पर जिला पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और बच्ची को निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बालिका का इलाज चल रहा है। आइए देखते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट। एक बच्ची के साथ जाति की सूचना थाने पे मिली थी, तो ये कल रात का वाकया था जिसको परिजनों द्वारा सप्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने FIR दर्ज करने का, हमारी टीम है वो महिला थाने में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इस बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल से इसके इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए और इसकी MLC रिपोर्ट्स और मेडिकल बनवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है और मुलजिम के दस्तयाब करने के लिए एक टीम हमने रवाना की। सर, आप खुद लेकर यहाँ अस्पताल पहुँचे हैं क्या, पुलिस को इससे पहले जानकारी मिली? नहीं, पुलिस को जानकारी नहीं थी। पुलिस को शाम को ही इसके परिजन ने जाकर के इतला की है कि इस तरह का वाकया हो गया है। तो जैसे ही ये पता चला तो SHO सदर को हमने तुरंत रवाना किया कि हॉस्पिटल पहुँचो, मैं खुद भी आ रहा हूँ। सीधे हॉस्पिटल पहुंचा, इसकी स्थिति देखी, बहुत नाजुक स्थिति थी, तो हमने तुरंत वहां से रेफर करा करके और सर निजी अस्पताल।